फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग ममता में। आज हम बनाएंगे क्विक दही गुजिया। ये दही बड़े की तरह ही होती है, इसे हमने गुजिया के आकार में बनाया है और ये एक फायरलेस रेसिपी है, इसे हम इंस्टेंटली बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इंस्टेंट दही गुजिया बनाने का मेथड। फायरलेस इंस्टेंट दही गुजिया बनाने के लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम दही लिया है। दही को हम स्मूथ करेंगे। एक बाउल पे मैंने छन्नी रख ली है और अब इसमें दही डालेंगे और इसको छानेंगे। इस तरह से दही छानने से काफी स्मूथ हो जाता है। आप इसे रई से या मथनी से भी स्मूथ कर सकते हैं। ये देखिए दही बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब इसको एक साइड रखेंगे। ये मैंने 6 स्लाइसेस ब्रेड की ली है। ये मैंने व्हाइट ब्रेड ली है, आप इसे ब्राउन ब्रेड से भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने 4 बड़े चम्मच पनीर लिया है और इसे क्रम्बल कर लिया है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच काजू के छोटे पीसेस ऐड करेंगे। 14-15 किशमिश ऐड करेंगे और ये थोड़ा अदरक है इसे मैंने ग्रेट कर लिया है और ये थोड़ी सी हरी मिर्च है इसे इसमें डालेंगे। 2 पिंच नमक इसमें ऐड करेंगे और सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए सारी सामग्री अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसे एक साइड में रखेंगे और अब इन स्लाइसेस को राउंड शेप में कट करेंगे। यहाँ मैंने एक कटोरी ली है और इसकी हेल्प से इसे कट करेंगे। ये देखिए ब्रेड के स्लाइस को हमने राउंड शेप में कट कर लिया है। इसी तरह से बाकी के स्लाइसेस भी राउंड शेप में कट करेंगे। ये सारे स्लाइसेस को मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है और ब्रेड के बचे हुए पार्ट से आप बहुत ही अच्छी ब्रेकफास्ट रेसिपी बना सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ मैंने 1/2 कप दूध लिया है और इसे अब एक खुले हुए बर्तन में डालेंगे और ब्रेड का एक स्लाइस लेकर इसमें डिप करेंगे और तुरंत निकाल कर इसे हथेली से प्रेस करेंगे। ये दूध को हमने निचोड़ दिया है और इसके अंदर अब ये स्टफिंग भरेंगे। इस तरह से स्टफिंग भर के इसे फोल्ड करेंगे और इसे गुजिया की शेप देंगे। ये देखिए गुजिया बन गई है, इसको साइड में रखेंगे। इसी तरह से बाकी के भी गुजिया बना लेंगे। ये सारी गुजिया मैंने स्टफ कर ली हैं। अब ये दही लेंगे और इसमें नमक डालेंगे। इसमें 1/8 टीस्पून नमक डालें या आप स्वादानुसार नमक भी डाल सकते हैं और अगर पसंद हो तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। नमक को मिक्स करेंगे और अब इन गुजिया को एक सर्विंग प्लेट में अरेंज करेंगे। यहाँ मैंने एक सर्विंग प्लेट ली है और बिल्कुल सावधानी पूर्वक ये गुजिया इसमें अरेंज करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट हैं इसलिए हमें धीरे से इन्हें रखना है। ये गुजिया मैंने प्लेट में अरेंज कर दी हैं और अब इस पर दही डालेंगे। सारी गुजियों पे दही डालेंगे। और अब इसे भुना जीरा पाउडर से गार्निश करेंगे। थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ा हरा धनिया डालेंगे, साथ ही इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ इसे सर्व करें। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इंस्टेंट दही भल्ले की एक और रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इस डिश को जरूर ट्राई करें, कमेंट करके बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल कुक विद ममता को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक और रेसिपी के साथ। बाय।